अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरतेहाल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, सूबाए सिंध के मौसम की बहुत ही बड़ी अपडेट है। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान बनने का खदशा मुकम्मल तौर पे हो चुका है। मौसम की मुकम्मल अपडेट जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल हनीफ और महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस वक्त सूबाए सिंध में जो है जेट स्ट्रीम की जो भी विंड्स होती हैं वो इस वक्त पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उनका खात्मा हो चुका है, वो इस तरह नॉर्मल की तरह चल रही हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट ये है कि खलीज बंगाल में 5 से 6 माह के दौरान हवा का कम दबाव बनने जा रहा है, जो कि शदीद हवा का कम दबाव आगे चलकर वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा, फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद ये साइक्लोन कैटेगरी 1 के बाद ये सिस्टम अपना सफर शुरू करेगा, जो कि गुजरात से होकर इसके असर सिंध में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन रुख है, इसका जो मेन डायरेक्शन है, इसका जो मेन तरफ है वो है बहरिया अरब और उसके साथ साथ गुजरात और सिंध। तो दोस्तों, ये जब भारत के जो सेंट्रल इलाके हैं जिनमें गुजरात वाले तमाम तरह इलाके, हैदराबाद के तमाम तरह इलाके, बेलागवी के तमाम तरह इलाके, बेंगलोर के तमाम तरह इलाकों में जब ये सिस्टम पहुँचेगा, तब इस सिस्टम के ज़ाहिर असर इसको अरबियन सी की हवाएँ जो होती है, मानसून की हवाएँ, वो इस सिस्टम को मज़ीद शिदत अख्तियार करेंगी, जिसके ज़रिए सर ये साइक्लोन मज़ीद शिदत अख्तियार कर सकता है। तब ये जब बहरिया अरब में पहुँचेगा तो ये फिर कमज़ोर हो जाएगा और ये सिंध को बारिशें नहीं दे सकता। ओवरऑल ये सिस्टम जो है सिंध में तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी नॉर्मल की तरह जेट स्ट्रीम की विंड्स जा रही हैं। तो दोस्तों, जो भी इस वक्त वेस्ट से जो भी हवाएँ आती हैं वो जो है जो है मानसून के जो भी सिस्टम आते हैं उनको कमज़ोर कर देती है, उनको अपने पास नहीं आने देती। ओवरऑल इस सिस्टम से हमें जो है सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम अब बहरहाल देखने को मिलेगा। जब ये सिस्टम भारत में पहुंचेगा तो भारत में जब पहुंचेगा तो इसको शदीद हवाएं देखने को मिलेंगी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें सिंध की साहली पट्टी जो भी है वहाँ पर शदीद तूफ़ानी हवाएँ चलेंगी। डॉक्टर अब्दुल हनीफ के मुताबिक इस सिस्टम का खातरख्वाह जो है खदशा, इस सिस्टम का खदशा सिंध में बिल्कुल नहीं है। तो सिंध वाले डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मौसम की नई अपडेट में दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुक्रिया नाज़रीन, थैंक्स।